हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोगों का सेकेंड राउंड का एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहले आप लोगों का यहाँ पे एमएस ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, हालांकि अभी भी एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो है यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मेल मर्ज से पूछे जा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि मेल मर्ज से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि थोड़ा अलग है, तो आप लोगों को मेलिंग टैब्स ज़रूर पढ़ना चाहिए और मेलिंग यानी कि मेल मर्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि यहाँ पे मेल मर्ज से रिलेटेड है, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले ताकि आप लोगों को लगातार ऐसी वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर मेल मर्ज एमएस वर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहां पे एक नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एमएस वर्ड मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए आप किस टैब का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ टैब से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। तो आप लोगों को चार ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, होम टैब, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो है इंसर्ट टैब, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे संदर्भ टैब और मेलिंग टैब। तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का यहाँ पे मेलिंग टैब हो जाएगा। जो मेलिंग टैब होता है उसके जरिए आप लोग यहाँ पे मेल मर्ज के ऑप्शन में जा सकते हैं, यानी कि तो यहाँ जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग दो नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दो नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि मेल मर्ज एक प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेज डिजाइन करने की सूची साथ संयोजित करके सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की नई प्रतियां बनाई जाती है, सूची को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, मुख्य दस्तावेज, डाटा स्रोत, उसके बाद आप लोगों का फॉर्म लेवल और डेटाबेस। तो यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा स्रोत। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डेटा स्रोत, ठीक। उसके बाद आप लोगों आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक बटन अस्थाई रूप से आपको मुख्य दस्तावेज और डाटा स्रोत को मर्ज कर देता है ताकि आप देख सकें और परीक्षण कर सकें। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पूर्वलोकन परिणाम। जो आप लोगों को परिणाम शो होगा, पूर्वलोकन परिणाम जो है यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो तीन नंबर आप लोग आंसर आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे ताकि अगर किसी भी टाइप से यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसका राइट आंसर दे सकें। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग चलिए देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जब व्यक्तिगत दस्तावेज संपादित करें और विकल्प चुना जाता है तो विलय के बाद बनाए गए नए दस्तावेज में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का चार ऑप्शंस दिया गया है वो आप लोगों का जो चार ऑप्शन है उसमें आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आप लोगों का बी नंबर ऑप्शन है, प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अनुभाग, यानी कि प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग अनुभाग जो दिखाई देगा। तो ये आप लोगों का राइट जो है बी नंबर ऑप्शन चार नंबर का हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का उपयोग करके पहले डाटा स्रोत में रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉर्ट। सॉर्ट करके आप जो है यहाँ पे डाटा के स्रोत को रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज दस्तावेज में डाली जाने वाली प्रविष्टि जानकारी को सूचीबद्ध करता है। तो यहाँ पे जो है पाँचवा नंबर जो आप लोगों का आंसर हो, छठा नंबर जो आंसर हो जाएगा, सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, डेटा स्रोत। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है वह डाटा स्रोत हो जाएगा। उसके बाद सातवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सातवा नंबर क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का कि मेलिंग टैब पर कौन सा बटन डेटा स्रोत से फील्ड को मुख्य दस्तावेज में फील्ड में
सहसंबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें अलग अलग फील्ड नाम होते हैं। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा मैच के दौरान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फील्ड नेम नहीं है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फील्ड नेम नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो आठवां नंबर का आप लोगों का जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा संख्या। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। उसके बाद नौ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज के लिए डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। तो नौ नंबर का यहाँ पे जो है हम राइट आंसर जो होगा वो आप लोगों का हो जाएगा लिफाफा। लिफाफे में आप लोगों का यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज का डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है, तो लिफाफे आप लोग राइट आंसर होगा। दस नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दस नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेटा स्रोत में जानकारी कैसे व्यवस्थित की जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे दसवां नंबर क्वेश्चन है कि डेटा स्रोत में जानकारी कैसे व्यवस्थित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालिका। तालिका के माध्यम से यहाँ पे डाटा स्रोत को व्यवस्थित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाटा स्रोत में प्रत्येक श्रेणी के लिए स्तंभ शीर्षक का नाम क्या है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो 11 नंबर का आप लोगों का राइट आंसर जो होगा फील्ड का नाम। ठीक, डाटा स्रोत में प्रत्येक श्रेणी के स्तंभ शीर्षक का नाम फील्ड का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जब किसी फील्ड नाम के शीर्षक में कोई स्थान होता है जैसे अंतिम नाम, तो मेल मर्ज दस्तावेज में मेल मर्ज फील्ड कैसे प्रदर्शित होता है। तो 12 नंबर का आप लोगों का जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, अंतिम नाम। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर ये आंसर होगा। आप लोग अच्छे से आंसर को देखेंगे ताकि आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में पूछे जाएं तो आप लोग इसका राइट आंसर दे सकें। उसके बाद यहाँ पे सातवां नंबर को 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज शब्द व्यक्तिगत दस्तावेज बनाने के लिए दस्तावेज को नामों और पतों की सूची के साथ जोड़ता है। तो ये मेलिंग टाइप से आप लोगों से क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेल से रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मेल मर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज शब्द व्यक्तिगत दस्तावेज बनाने के लिए दस्तावेज नामों और पतों की सूची को जोड़ता है, तो मेल मर्ज इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से परिवर्तन डेटा को अपरिवर्तनीय डेटा के साथ विलय किया जाना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डेटा स्रोत। डेटा स्रोत इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेल मर्ज कार्य फलक लॉन्च करने के बाद पहला चरण ये है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोगों का इसका जो है यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बी नंबर क्वेश्चन इनका राइट आंसर होगा। अक्षर का आकार निर्दिष्ट करें, कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नया पता सूची संवाद बॉक्स में डिफ़ॉल्ट फील्ड रूप में प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अपार्टमेंट नंबर। ठीक, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आपके मेलिंग प्रोजेक्ट के लिए उपयोग करने के लिए लेबल एक विशिष्ट ब्रांड खरीदा है, मेल मर्ज स्टाफ पेन किस चरण के दौरान आप उस ब्रांड का लेबल निर्दिष्ट करेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा अलग टाइप का लगेगा क्योंकि ये मेल मर्ज से रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मेल मर्ज 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मेल मर्ज संवाद सहायता संवाद बॉक्स लॉन्च करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस असिस्टेंट का उपयोग करने के लिए कौन सा विकल्प चुनना चाहिए।
तो यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों को सी नंबर हो जाएगा, पूरा सेटअप। ठीक, उसके बाद चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेल मर्ज मुख्य दस्तावेज के 4 प्रकार हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा। इनका राइट आंसर डी नंबर होगा, फॉर्म पत्र, लिफाफे, मेलिंग लेबल और कैटलॉग। उसके बाद 20वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलय प्रक्रिया का चरण नहीं है। यहाँ पे 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वो आप लोगों का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, डेटा स्रोत को प्रारूपित करें। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने यहाँ पे कवर किया है। आगे आप लोगों को लगातार इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, पसंद हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ से आप लोगों को ये PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।